पक्ष पर पितरों के चरणों में बारंबार नमन वंदन श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुके हैं। और भगवान मनुस्मृति में कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितृ कव्यों को खाते हैं। पितरों के बारे में शास्त्रीय मान्यता है कि पितर अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर के रूप में रहते हैं, वायु शरीर के रूप में रहते हैं। बार बार हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर कम्युनिस्टों और कथित धर्म निरपेक्षकों के हमले हो रहे हैं। मृत्यु भोज श्राद्ध भोज का विरोध होता है, इसे फिजूल खर्ची की उपमा दी जाती है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो अपने माता पिता या अन्य स्वजन के लिए हो रहे भोजन को फिजूल खर्ची व आडंबर से संबोधित करते हैं। मृत प्राणी के पीछे हो रहे भोजन में श्राद्ध भोजन में अन्नदान का संकल्प है। और बड़ी हैरानी तब होती है जब वेदों का अभ्यास करने वाले पुराणों को आत्मसात करने वाले लोग मृत्यु भोजन व श्राद्ध भोजन का विरोध करते हैं और इसे अपव्यय बताते हैं। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, स्वधा पितृभ्य प्रतिशदभ्य स्वधा पितृभ्य अंतरिक्ष दभ्य सदा पितृभ्यो दिविशदभ्य। जो पुत्र पृथ्वी पर हैं उनके लिए, जो अंतरिक्ष में हैं उनके लिए तथा जो स्वर्ग में हैं उनके लिए सदा कव्य देता हूँ। गरुड़ पुराण पितृ संहिता पद्म पुराण मार्कंडेय पुराण सहित अष्टादश पुराणों में श्राद्ध की महिमा और महत्व बतलाया गया है। वेद और पुराण की बात को आधे अधूरे रूप में मानने वाले लोग ही श्राद्ध का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। वेद में अनेक जगहों पर श्राद्ध की महिमा वर्णित है। मृत प्राणी के निमित्त दिए गए भोजन अंश मात्र मृत प्राणी का भाव स्वरूप ग्रहण करता है। पता नहीं क्यों लोग अपने धर्मशास्त्रों का विरोध करने लग गए हैं। क्यों धर्मशास्त्र और हिंदू मान्यताओं का मखौल उड़ाना एक फैशन सा बन गया है और इसे अपव्यय आडंबर और रूढ़िवादिता के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। मृत प्राणी के पीछे किया गया भोजन अन्नदान के रूप में आता है। गौ ग्रास पंचग्रास आदि के द्वारा मूक पशु पक्षियों के भोजन के बारे में भी चिंतन किया गया है। सभी धर्म एक मत से अन्नदान के महत्व को स्वीकार करते हैं कि अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है। शास्त्र कहता है, श्रद्धायाम इदम श्राद्धम। जो श्रद्धा से मृत पितृगणों के निमित्त एक कर्म विशेष किया जाता है वह श्राद्ध है। उसमें श्रद्धा का विशेष महत्व है। प्रधान तत्व श्रद्धा है। श्रद्धा से पितरों को जो भी अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। यह आवश्यक नहीं है कि उसमें 5 पकवान बनाए जाए या महंगा भोजन बनाया जाए या उधर लाकर भोजन करवाया जाए। श्राद्ध निमित्त आप श्रद्धा से जलांजलि अर्थात जल की अंजलि या तिलोदक तिल मिश्रित जल पितरों को अर्पित करते हैं तो पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार भोजन सामग्री बनाकर दान करें। कीट पतंगों गाय व मूक प्राणियों का अंश भी उस प्राणी के निमित्त निकालें जिससे गोग्रास और पंचग्रास से संबोधित किया जाता है। श्राद्ध में दिखावा बिल्कुल वर्जित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह घोर नरक का अधिकारी होती है। और ब्रह्म पुराण में तो साफ साफ लिखा है, श्राद्धम न कूरते मोहात तस्य रक्त पिबन्ते ते। श्राद्ध नहीं करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। वर्तमान में कौओं पर श्राद्ध करने वाले ब्राह्मणों पर मजाक आ रहे हैं, उनका उपहास किया जा रहा है। तैतरीय उपनिषद का मत है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमिद्यम, अर्थात देवता और पितरों के कार्यों में मनुष्य को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद अर्थात उपहास नहीं करना चाहिए। पितरों पर मजाक करने से व्यक्ति को नुकसान होता है।